नमस्कार, बीसीएन न्यूज की स्पेशल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार से बरस रहे मेघों ने बुधवार की रात से गुरुवार सुबह तक शहर में मानो तांडव मचा दिया। मानसून पूरी तरह से विदर्भ पर सक्रिय है। विदर्भ के अधिकांश क्षेत्र इसकी चपेट में है और मूसलाधार बरसात से सराबोर दे रहा है। नागपुर में गुरुवार सुबह तक 100 मिलीमीटर के ऊपर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार उपस्थित कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार को खिसक कर महाराष्ट्र के ऊपर स्थित हो गया है। इससे जुड़ा मानसूनी चक्र समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है तथा ऊपरी स्तर पर दक्षिण पश्चिम की ओर झुका और पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भारी बारिश होगी। विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। कई स्थानों पर अत्यधिक ज्यादा वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। अभी अगले 24 घंटे भी जो है विदर्भ में अच्छी बारिश की संभावना है। एक लैंडमार्क लो प्रेशर एरिया जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर स्थित है और वो बाद में आगे बढ़ते मध्य प्रदेश होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़े। तो आज जो है और विदर्भ के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल, आज की हमने रेड अलर्ट दिया हुआ है चंद्रपुर और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में। ऑरेंज अलर्ट है नागपुर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा। ऑरेंज अलर्ट है तो अभी 24 घंटे के बाद में थोड़ा बारिश में कमी आ जाएगी, लेकिन 28 तारीख को भी भारी वर्षा की चेतावनी रहेगी। पूरे विदर्भ में मूसलाधार बारिश जारी है। कई नदी नाले उफान पर है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई मकान ढह गए हैं। नागपुर शहर समेत जिले भर में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के चलते नागपुर का अंबाझरी तालाब ओवरफ्लो हो गया, जिसका आनंद लेने के लिए संतरा नगरी वासी इस ओवरफ्लो का आनंद लेते दिखाई दिए। पिछले साल की तुलना में इस साल नागपुर में कम बारिश दिखाई दे रही है। लगातार हो रही बारिश से अंबाझरी झील ओवरफ्लो हो गई है। नागपुर में ऑरेंज अलर्ट के साथ मानसून और बारिश अपना कहर बरसा रहे हैं। वही भारी बारिश के चलते यातायात भी प्रभावित होते दिखाई दी। नागपुर के कई सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुए तो नरेंद्र नगर, शंकर नगर, बर्डी में यातायात प्रभावित हुई। बरसात आते ही आंखों में चुभन, पानी निकलना, आंख लाल होना और आंखों में जलन होना शुरू हो जाता है, जो आई फ्लू का लक्षण है। कंजक्टिवाइटिस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आई फ्लू लंबे समय से एक मॉनसून में होने वाली बीमारी रही है। भारत में आमतौर पर बारिश के मौसम में इसके मामले बढ़ते हैं। हाल ही में खबर आई है कि देश भर के कई राज्यों में आई फ्लू के केस बढ़ रहे हैं और लोग इससे काफी परेशान हैं। नागपुर शहर की बात करें तो यहां भी आई फ्लू के मामले बढ़ने लगे हैं और नागपुर मेडिकल में रोजाना 100 से भी ज्यादा केस आई फ्लू के सामने आ रहे हैं। एनबीसी न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ स्वप्निल बुंधाड़े की रिपोर्ट। तो आज की स्पेशल स्टोरी में वक्त हो चला यही रुकने का। ताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।